अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी बाय जॉन डन। इसकी टेक्स्ट जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन उर्दू, इसके समरी, उसकी जो डिटेल्स थी वो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाई थी। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना अभी तक तो उसको भी पहले जो है वो सुन लें ताकि आपको इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। और ये पोइम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 19 स्टैंजास की पोइम है, 19 स्टैंजास हैं, 4-4 लाइंस के, मतलब 76 लाइंस की ये पोइम है। और ये जो है जॉन डन और उनकी वाइफ जो हैं किसी दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे बैठे जो है उनकी जो वो वरदान की हालत में चले जाते हैं और उनकी जो रूह होती है वो निकल के बाहर आ जाती है और कन्वर्सेशन करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं ये पोइम। द स्टेशनरी बाय जॉन डन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मेटाफिजिकल पोइम। ये बहुत पेचीदा सी और मेटाफिजिकल हमें पता है कि जॉन डन जो है ना वो मशहूर है मेटाफिजिकल पोइट की हैसियत से। तो मेटाफिजिकल उसे कहा जाता है कि जो कि इंसानी समझ से बहुत परे हो, बहुत जो है ना ऊंची बात हो या ऊपर की बात हो। डीलिंग विद द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ लव, इसकी जो ये पोइम है ये मोहब्बत के जो दोहरे पहलू होते हैं ना उनके साथ डील करती है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। एक तो हो गया जिस्मानी और दूसरा रूहानी। सम क्रिटिक्स लाइक लॉगस फाइंड इन इट अ प्लान फॉर सिडक्शन विद एम्फसाइज ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ लव। क्या है कि इसमें जो है कुछ क्रिटिक्स जो हैं जिनमें एक लॉगस शामिल हैं, वो उनका ये कहता है कि ये उनका ये कहना है कि ये जो पोएम है जॉन डन की ये सिडक्शन कहते हैं कि किसी चीज़ को जो है ना किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट करना या किसी को कन्वेंस करना। तो वो इस बात में इस बात पे ज़ोर डाल रहे हैं कि मोहब्बत की जो फिज़िकल नेचर होती है उसको समझा जाए। वाइल अदर्स लाइक हेलन गार्डनर फाइंड इट एन एफर्मेशन ऑफ स्पिरिचुअल लव। लेकिन एक कुछ दूसरे क्रिटिक्स हैं जिनमें एक हेलन गार्डनर है, वो ये कहते हैं कि इस पोएम में जॉन डन ने स्पिरिचुअल लव पर जो है ज़ोर डालने की कोशिश की है। इन फैक्ट इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी एंड द सोल इन लव। लेकिन असल में देखा जाए तो ये पोइम दोनों एस्पेक्ट्स को डील करती है, वो फिज़िकल हो या फिर सोल का हो, रूहानी हो। वॉट इज स्ट्रेशी? स्ट्रेशी इज़ इसेंशियली या एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी इज़ इसेंशियली अ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन विच द इंडिविजुअल सोल इग्नोरिंग द बॉडी। एक्सटेसी जो है वजदान की हालत को कहते हैं, मतलब ऐसा कोई मजहबी तजर्बा, ऐसा मजहबी एक्सपीरियंस जिसमें किसी इंसान की जो रूह है वो जिसम से परवाज़ कर जाए, होट कन्वर्स विद डिविनिटी, और जो है वजदानियत यानी एक जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड होती है ना उसमें चले जाए। जैसा कि वो अक्सर आपने सुना होगा कि वो जो लोग ये बुल्ले शाह का जो होता है वो जब डांस कर रहे होते हैं, घूम घूम के नाच रहे होते हैं, तो वो अपने होश जो है ना बिल्कुल खो बैठते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी जो है अपने आप में नहीं रहते। It is a feeling of trance of spiritual exaltation and samadhi where the individual has a vision of divine. कि ये एक जो है ना एक ख़ास किस्म की जो है फीलिंग का नाम है जिसमें जो रूहानी जो सिलसिला होता है ना वो जारी हो जाता है और कोई इंसान जो होता है ना वो अपने आप में नहीं रहता। देन अप्लाइज द फीलिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द लवर्स एंड फाइंड द एसेंस ऑफ लव इज़ नॉट सेक्स बट एन इम्प्रोवरिंग फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब डन जो है वो ये बता रहा है कि जो मोहब्बत के तजर्बात होते हैं या जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ सेक्स तक ही जो है वो लिमिटेड नहीं होती, बल्कि इसका जो पर्पज़ होता है या इसका जो थ्रू आउट सर्कल होता है ना वो इंसान की जो है रूहों को इकट्ठा करना होता है। ट्रू लवर लव इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सोल। असल में जो सच्ची मोहब्बत होती है वो रूहानी होती है। अ न्यू सोल इमेनेट्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल सोल्स, के एक नई रूह बनती है दो रूहों के मिलने से। एंड मेक्स द लव रियलाइजेज डैट लव इज़ इन इट्स प्योर, तब जाकर ये एहसास होता है कि ये जो मोहब्बत है बिल्कुल पाक है, बिल्कुल खालिस है, एसेंस स्पिरिचुअल रूहानी है। देन हैज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड लव इन अ फिलोसफिकल वे, कि डॉन ने जो है इस अपनी मोहब्बत के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही फिलोसफाना अंदाज में बयान किए हैं। लव इज़ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट कंसेंट्राइज थ्रोस फिजिकल इंजॉयमेंट ऑफ सेक्स। ये तो हमें सबको पता है कि जो मोहब्बत का जो अंदाज होता है, जो शादी वाले रिलेशन होते हैं, वो इंजॉयमेंट ऑफ सेक्स से जो है बिलोंग करते हैं। ही हैज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड इट अकॉर्डिंग टू द प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने इसको प्लाटोनिक मतलब जो वो प्लाटो के कॉन्सेप्ट थे ना उसके अकॉर्डिंग भी ढालने की कोशिश की। डिजायर ऑफ द मौत फॉर स्टार, मौत कहती हैं कि जो कोई उजाला होता है या परवाना होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है आसमान को छूने की, सितारों तक जाने की। लॉन्गिंग ऑफ वन सोल टू सी कम्युनिकेशन विद अदर विद एन अदर, तो कहते हैं इसी तरह से जो रूह एक रूह होती है जो दूसरी रूह से मोहब्बत करती है वो उसको तलाश करती है, उससे जो है रابطہ बनाना चाहती है। अनदर आइडिया इंट्रोड्यूस्ड इन द पोइम हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी,
मजीद ये आइडिया जो है कहा गया कि एस्ट्रोनॉमी से, मतलब स्टार्स की बात की है ना, कि एस्ट्रोनॉमी से लिया गया है। जस्ट एज हेवनली बॉडीज आर मूव्ड बाय इंटेलिजेंसीज एंजेलिक स्पिरिट्स, इन द सेम वे सोल्स आर द मोटिवेटिंग फोर्सेस इन ह्यूमन लव थ्रो दे हैव नो एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन। कि जैसा कि वो कहा जाता है ना कि यानी कुछ बॉडीज़ होती हैं कि वो यानी किसी लोगों के बारे में अक्सर ये जो है ना इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि यानी जो इस पे इसमें जो जिन आते हैं या रूहें आती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये इसी चीज़ को इलैबोरेट कर रहा है जॉन डन के, यानी जिस तरह से वो वाला प्रोसेस होता है ना, इसी तरह से इंसान जो इंसानी जो मोहब्बत होती है वो किसी इंसान के अंदर जो है वजूद कर जाती है, घर कर जाती है। दे आर लिंक्ड विद द बॉडी विच इज़ द ओवर्ट एंड अपेरेंट मशीनरी ऑफ फॉर लव मेकिंग। सबसे पहले जो मोहब्बत है उनके जिस्म से शुरू होती है, क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो मशीनरी होती है जहाँ पे ये सारा लव का प्रोसेस होता है। वो टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, टच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। द सोल एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू द बॉडी। अब जो रूह होती है वो जो उनके जिस्म से जो है उसका रिलेशन होता है। इन अदर वर्ड द बॉडी इज अ मीडियम यूज्ड बाय द सोल टू अचीव द कंज्यूमेशन ऑफ लव। कंज्यूमेशन कहते हैं प्रोडक्शन को, कि यानी एक जिस्म जो होता है, जो बॉडी होती है, वो एक मोहब्बत यानी मोहब्बत के लिए एक मीडियम की तरह होती है, कि रूह का वाला जो प्रोसेस होना होता है, जो स्पिरिचुअल लव होता है, उसके लिए और लव के लिए एक मीडियम का काम बॉडी करती है। Thus the poem uses a religious and mystical experience to interpret the complexity and depth of secular love. Secular कहते हैं non-religious को, तो इसलिए जॉन डन ने अपने जो मजहबी और जो तजर्बात हैं ना उनको बयान करने के लिए जो है secular love की पेचीदगियों को बयान करने के लिए मुख्तलिफ references दिए हैं। The physical setting कैसी है इस पोइम की, द फर्स्ट स्टैंजा प्रोवाइड द फिजिकल सेटिंग ऑफ टू लवर्स। के इसे पता चल रहा है कि दोस्त लवर्स हैं, एक जॉन डन और उनकी वाइफ जो है वो एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ओवर ग्रोन विद वॉयलेट फ्लावर्स, और उस जो है दरिया एक किनारे पे जो है ना वॉयलेट फ्लावर बनफिशी जो फूल होते हैं वो लगे हुए हैं। द लवर्स सिट क्वाइट लुकिंग इन टू ईच अदर्स आइज एंड होल्डिंग हैंड्स फिमली। अब जो दोनों हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं और एक दूसरे को आंखों में देख रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे के हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। दिस फिजिकल क्लोजनेस ऑफर्स अ रोमांटिक एंड पेस्टोरल सेटिंग। ये सारी सीन को देख के हमें पता चलता है कि ये पोइम जो है बहुत रोमांटिक होगी। देयर हैंड्स को सीमेंटेड इन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड एज अ आइज इफ स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। अब वो उनके जो हाथ है ना इतनी मजबूती से उन्होंने पकड़े हुए हैं कि ऐसा लगता है कि ये इन पे किसी ने सीमेंट डाल दिया ऊपर से, और उनकी आंखें जो है एक दूसरे को इस तरह से वो देख रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि उनकी रोशनी आंखों से जो रोशनी निकल रही है ना उस वो उसमें उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। दिस सेंचुअली एक्साइटिंग सीन इज़ अ फॉरनर टू द एक्चुअल फिजिकल यूनियन। ये सारा जो सीन है, ये सारी जो लाइंस है ना, इनसे हमें पता चलता है कि यानी पोइम जो है ना फिजिकल यूनियन के बारे में है, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता जाता है। द पोइट कम्पेयर द टू लवर्स टू द टू आर्मीज़। फिर पोइट जो है वो कहता है दो लवर जो है ना वो दो आर्मीज़ की तरह होते हैं। द सोल्स आर लाइक द निगोशिएटर्स कहते हैं बारगेनिंग करने वाले या कोई डीलिंग करने वाले, किसी चीज़ को जो है जो जैसे बिजनेस डीलिंग कर रहे होते हैं। दे आर नॉट कमिटेड टू आइथर साइड, वो किसी एक साइड पे नहीं होते। ओनली दोज हु आर गिफ्टेड कैन अंडरस्टूड द डायलॉग ऑफ द टू सोल्स एंड रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ लव। फिर वो कहता है कि मोहब्बत की सच्चाई क्या है, मोहब्बत की पहचान वही लोग कर सकते हैं। इस बात पर यकीन उनको, मेरे इस डायलॉग पर यकीन उनको ही आएगा कि वन बॉडी एंड टू सोल, जिसने कभी सच्ची मोहब्बत की होगी या जिसको मोहब्बत के बारे में सच पता होगा। इसके बाद आ जाता है ट्रू नेचर ऑफ लव। द कम्युनिकेशन ऑफ द सोल ऑफ लवर्स रिवील द ट्रू एसेंस ऑफ लव। अब जो दो सोल्स की कम्युनिकेशन है, दो महबूब के दरमियान जो उनका रابطہ है, वो भी उनकी मोहब्बत की जो असल सच्चाई है ना उसको बयान करते हैं। लव इज़ नॉट सेक्स एक्सपीरियंस। लव सिर्फ सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में नहीं होता, सिर्फ फिजिकली नहीं होता। इट इज़ रादर अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। ये दो रूहों का भी यूनियन होता है, उनका इकट्ठा होना होता है। ईच सोल अपीयर्स टू कीप इट्स आइडेंटिटी एंड एज इन हॉर्टिकल्चर बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द प्लांट ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द बेटर। अब क्या है कि फिर वो जो है ना एग्रीकल्चर के हवाले से जो है ना एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि अगर किसी पौधे को जो है वो वॉयलेट फ्लावर की बात कर रहे हैं कि इसको जो है उखाड़ के हम कहीं और लगा देते हैं तो क्या होता है कि इसकी ग्रोथ में जो है इजाफा हो जाता है, ये मज़ीद बेहतर जो है फलने लगता है, फूलने लगता है।
तो फिर वो कहता है इसी तरह से जो न्यू सोल बनती है ना दो रूहों के मिलने से, द न्यू सोल हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड वाइटेलिटी, इसी तरह से जो नई रूह बनती है वो भी ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। द फ्यूजन ऑफ द टू सोल्स इज़ अ रियल कंजुमेशन ऑफ लव, अब जो दो रूहों का फ्यूजन होता है, मिक्सर होता है, उसी से एक मोहब्बत की तकमील होती है, मोहब्बत मुकम्मल होती है। द न्यू सोल इज कम्पोज सोल इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स विच आर बियॉन्ड डिके, वो कहते हैं नई सोल ऐसे एटम से बनी हुई होती है जो कभी ख़राब नहीं हो सकते, जस्ट एज द सेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज़ नॉट बॉडी बट द सोल। वो इसलिए वो कहते हैं कि यानी मोहब्बत का जो लाजमी जुज है वो सोल है, बॉडी भी है, लेकिन वो कहते हैं बॉडी से ज़्यादा सोल इंपॉर्टेंस रखती है। इन द सेम वे द सेंस ऑफ लव इज़ नॉट सेक्स बट म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड अफेक्शन। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मोहब्बत का जो लाजमी जुज है वो सिर्फ सेक्स ही नहीं है बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंस है और एक दूसरे के लिए जो है कशिश है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। द बॉडी इज़ नो ड्रॉज बट एन अलॉय नेसेसरी फॉर प्योर मेटल्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर। अब वो कहते हैं कि जिस्म जो है वो किसी ऐसी धात से नहीं बना कि अब हम सारी जो है जब रूह की जो बात किए जा रहे हैं, हम रूह को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो जिस्म जो है उसका भी तो अपना रोल है ना। वो कहता है जिस्म भी कोई फालतू चीज़ नहीं है ये, बल्कि एक कीमती धात की तरह है, एक मीडियम की तरह है, नेसेसरी फॉर प्योर मेटल्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर, जो कि रिलेशन को दो सोल्स को मजीद क्लोज आने में, उनके रिलेशन को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। द बॉडी इज द चैनल, बॉडी एक चैनल की तरह है फॉर द सोल्स टू इंटर कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी वो बॉडी वो चैनल होता है जिसके अंदर दो रूहें इंटर कम्युनिकेट करती हैं। इज़ लव फिज़िकल और स्परिचुअल, अब वो कहता है कि मोहब्बत फिज़िकल होती है या स्परिचुअल होती है, जिस्मानी होती है या रूहानी होती है। टू दिस ओल्ड एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देन हैज सेटिस्फैक्ट्री आंसर, अब ये जो बहुत ही पुराना सा सवाल है, बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन डन ने इसका एक बहुत ही मुतमईन जवाब दिया है। लव इज़ डिपेंडेंट बोथ ऑन द सोल एंड द बॉडी, वो कहते हैं मोहब्बत दोनों पे डिपेंड करती है, जिस्म पे भी और रूह पे भी। लव हैज़ टू बी कंसेंट्राइज, दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द फिज़िकल प्ले ऑफ लव, अब मोहब्बत को जो है समझा जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, और फील वाले जो एटम हैं, जो जो सेंसेस वाले एटम हैं, वो सिर्फ बॉडी ही जो है ना प्रोवाइड कर सकती है। डन फील्स डैट फिज़िकल लव इज़ इन reached by the mutual understanding of the souls of the two lovers, वो कहता है कि जब दो lovers एक दूसरे के close आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो उनकी जो मोहब्बत, जो रूहानी मोहब्बत है ना, वो strong हो जाती है। spiritual love is not possible in a vacuum, अब वो कहता है रूहानी मोहब्बत किसी खाली बर्तन में तो नहीं हो सकती, उसके लिए जो बेहतरीन जो medium है ना, बेहतरीन जो जगह है वो body ही होती है। like heavenly being who influences the actions of men through manifestation, the soul must express themselves through the bodies. अब वो कहता है कि यानी कोई भी जो ऐसे एक्शंस होते हैं, यानी मोहब्बत का जो भी इजहार होता है ना, वो इंसान अपनी सेंसेस के ज़रिए करता है, द सोल मस्ट एक्सप्रेस देम सेल्फ, और जो रूहानी मोहब्बत होती है वो भी जिस्मों के ज़रिए ही जो है वो जाहिर होती है, मतलब जिस्मों के ज़रिए उनका इंटरकोर्स होता है, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और उनकी जो रूहानी मोहब्बत है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, उसकी कंजप्शन हो जाती है। द पॉइंट फील्स डैट एन आइसोलेटेड सोल इज़ लाइक अ कैप्टिव प्रिंस, फिर वो कहता है कि एक जो तनहा रूह होती है ना, मतलब यानी जिसके साथ जिस्म अटैच ना हो, जिसके साथ बॉडी का फिजिकल रिलेशन का साथ ना हो, सिर्फ जो रूहानी मोहब्बत हो ना, वो एक कैद परिंदे की तरह होती है, एक कैद प्रिंस की तरह होती है, कैद शहजादे की तरह होती है। सोल मस्ट रिटर्न टू द बॉडीज एंड मैनीफेस्ट द मिस्ट्री ऑफ लव, वो कहते हैं ऐसी रूह को जो है जिस्म की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी मोहब्बत के जो राज हैं उनका इजहार कर सके। एज फ्रॉम द ब्लड कम स्ट्रेंथ एंड विगर which acts as an agent of the soul, binds together elements which go into the making of man. अब वो कहते हैं कि जिस तरह यानी खून जो है इंसानी जिस्म का लाजमी जुज है, खून के बगैर कोई भी इंसान नहीं चल सकता, इसी तरह से जो सोल वो जो मोहब्बत है ना, उसमें बॉडी भी और सोल भी दोनों वाइटल रोल प्ले करती हैं, उन ये दोनों से मिल के इंसान बनता है। सो द बॉडी एंड द सेंस ऑर्गन्स आर एट द डिस्पोजल एंड सर्विस ऑफ द लवर सोल्स, तो इसलिए जो जिस्म होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो दो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी उनको नज़दीक लाने में, उनको करीब लाने में, उनके लव को स्ट्रॉन्ग बनाने में वाइटल रोल प्ले करती है। अदरवाइज द सोल कैन नॉट एक्सप्रेस देम सेल्फ, अगर ऐसा ना हो तो रूह कभी भी जो अपने जज्बात हैं उनका इजहार ना कर सके। द बॉडी इज़ नॉ इज़ द बुक ऑफ लव, जो जिस्म है वो मोहब्बत की किताब होती है। ग्रेट मिस्टिक हैव ऑल्सो प्लीडेड फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ फिजिकल लव टुवर्ड्स होली और डिवाइन लव, अब इसके अलावा काफ़ी इस तरह की जो हैं वो एप्लीकेशंस या इस तरह के जो है ना रिक्वेस्ट की गई हैं, जिसमें फिजिकल लव की और होली डिवाइन लव के बारे में जो है ना उसने जॉन डन ने बात की है। ये लाइन अप स्किप कर दें चाहे।
फाइनली द पोइट फील्स डैट लव राइपन्स इन द सोल. फिर फाइनली जो पोइट है ना जॉन्डन कहता है कि मोहब्बत जो है ना वो सोल के अंदर जाके उसकी पकाई होती है, उसकी जो है ग्रोथ होती है. एज सच फिजिकल लव एंड हॉली लव आर कॉम्प्लीमेंट्री. वो कहता है ये जो है ना फिजिकल लव और हॉली लव ये लाजमी जुज है मोहब्बत के. इफ़ सम लवर्स ऑब्जर्व द पोइट एंड हिज बिलव्ड, अगर कोई भी बंदा उसको जॉन्डन को और उसकी बीवी को देखे, ही विल हार्डली फाइंड एनी चेंज इन देयर बिहेवियर व्हेन द लवर्स रिटर्न टू देयर बॉडीज. अब तो जब अगर उसने उन दोनों को देखा होगा तो उसने ये महसूस किया होगा कि उसके उन दोनों के जिस्मों में कोई भी फ़र्क नहीं आया जब उनके जिस्म में रूह वापस आई है. जब उनके जिस्म की जो रूह है पहले निकल गई थी ना वजदान की हालत में, लेकिन बाद में जब वापस आई है तो उनके जिस्म में कोई भी चेंज नहीं आया, ना ही उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया है. मतलब यानी जो अगर किसी स्पिरिचुअल लव में फिजिकल लव भी होता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होते हैं, तो वो उसके लिए कोई सिन या कोई शेम वाली बात नहीं होती. वो उनके उनकी रिलेशन को कम्प्लीट करने के लिए लाजमी एलिमेंट्स हैं. द पॉइंट इम्प्लाइज एन अनयूजुअल डिज़ायर थ्रू एक्सटेसी विच मीन्स टू स्टैंड आउट. अब पोइट जो है ना, पोइट की एक जो है ना अनयूजुअल सी डिज़ायर है, ख्वाहिश है, जिसको उसने एक्जैसी एक यानी पोइम का टाइटल चूज़ करते हुए जो है ना उसने बयान किया है. द सोल्स ऑफ द पोइट एंड हिज बिलव्ड एज इट वर स्टैंड आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉडीज़. क्योंकि उन दोनों की जो रूहें थी ना, इस पोइम का जो टाइटल है ना उसका नाम है एक्सटेसी. मैंने आपको टेक्स्ट में भी बताया था एक्स का मतलब होता है आउट और टेसी का मतलब होता है गो या फिर स्टैंड. यानी वो उसकी जो दोनों की जो रूहें हैं ना वो निकल के बाहर खड़ी हो गई हैं. स्टैंड आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉडीज एंड होल्ड अ डायलॉग रिवीलिंग द ट्रू नेचर ऑफ देयर लव. और अब उनकी मोहब्बत की जो ट्रू नेचर थी, जो स्पिरिचुअल लव था ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है. इन अ रिलीजियस एक्सटेसी द सोल होल्ड्स अ कम्युनिकेशन विद गॉड. मतलब अगर रिलीजियस लिहाज से देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक्सटेसी का मतलब वजदान की हालत होती है, जब इंसान अपने आप को भूल के अपने खुदा के लिए जो है ना खुद को वक्फ कर देते हैं. हियर द कन्वर्सेशन इज नॉट बिटवीन द सोल एंड गॉड. लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रही है, यहाँ पे जो गुफ्तगु हो रही है, वो सोल और गॉड की नहीं है, बट बिटवीन टू सोल्स, लेकिन दो रूहों की है, जॉन्डन की और उसकी वाइफ की है. डन हैज़ आर्टिस्टिकली एक्सप्लेन द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव टू थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल एंड सेंचुअस लव. डन ने जो है रिलीजियस और फिलोसफिकल अकीदों को बयान करने के लिए बहुत ही जो है ना स्किलफुली जो है ना वजाहत की है और रोशनी डाली है कि फिजिकल लव भी और सेंचुअस लव दोनों जो हैं कितने ज़रूरी होते हैं. द ग्रेटनेस ऑफ द पोइम लाइज इन रिकॉन्साइलिंग द अपोजिट फिजिकल लव विद स्परिचुअल लव. और पोइट ने जो है दोनों चीज़ों को, दोनों लव के दरमियान वाजिया फ़र्क भी बता दिया है, उन दोनों की इंपॉर्टेंस भी बता दिया. मेटाफिजिकल बिलीव विद द साइंटिफिक, द एब्स्ट्रैक्ट विद द कंक्रीट, ह्यूमन एलिमेंट विद द नॉन ह्यूमन. यानी उसने हर लिहाज से बताया है कि यानी जो है हमारे अकायद का और साइंस का क्या रिलेशन है, और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मतलब जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी नहीं होती, उनके बारे में भी बता दिया, और इंसानी एलिमेंट्स और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स उनके बारे में भी बता दिया है. द इमेजेस एंड कंसीट्स आर केयरफुली सेलेक्टेड टू सपोर्ट द पोइट्स व्यू. अब उसने बहुत सी इमेजेस का, बहुत सी मिसालों का जो है ना इस्तेमाल किया है ताकि हमें वो अच्छी तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें. द रोमांटिक सेटिंग इन द बिगनिंग ऑफ द पोइम सेट्स द मूड ऑफ द फिजिकल लव. मतलब जो उसका सबसे पहले जहाँ से उसने पोइम को स्टार्ट किया है ना, तो वो उसने बड़ा रोमांटिक सा रखा है कि दो लवर्स जो हैं वो दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और वॉयलेट के जो फ्लावर्स हैं वो उनका तकियाँ हैं. द होल्डिंग ऑफ हैंड्स एंड द सीमेंटिंग वार्म्स एंड थ्रेडिंग द आई इन द ऑफ द आइज बीम. और क्या है कि उन्होंने जो है वो ये वॉयलेट फ्लावर्स के तकिए पे लेटे हुए हैं, उन पे सर रखा हुआ है, और जो है एक दूसरे के हाथ इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं जैसे सीमेंट किसी ने डाल दिया हो, और एक दूसरे की आंखों में जो है ना वो जो है ना नॉन स्टॉप देखे जा रहे हैं. द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव मस्ट प्रसीड द स्पिरिचुअल यूनियन. अब यानी किसी भी मोहब्बत को, रूहानी मोहब्बत को कंप्लीट करने के लिए उसका जो जिस्मानी वो एस्पेक्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है. देन कम्स द इमेज ऑफ टू आर्मीज एंड द सोल एक्टिंग एज ए निगोशिएटर. फिर क्या है कि फिर उसने दो आर्मीज की मिसाल दी थी, फिर उसने कहा था कि यानी दो रूहें ऐसे लग रही हैं जैसा कि एक दूसरे से जो है ना वो बार्गेनिंग कर रही हैं, कोई बिजनेस डील कर रही हैं. देन देयर आर द इमेजेस ऑफ द न्यू सोल. फिर उसने एक नई सोल कहा है कि एक नई सोल बनी है, इमेनेटिंग आउट ऑफ द टू सोल स्ट्रॉगर एंड एबलर बिकॉज इट इज़ मेड आउट ऑफ एटम्स. फिर वो कहता है कि जो नई रूह बनी है ना वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा काबिल है, क्योंकि वो एटम से बनी हुई है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द बॉडी एंड द सोल इज एक्सप्रेस थ्रू द मेटाफर्स. मतलब इंसान के जिस्म का जो रिलेशनशिप होता है या उनके दो बॉडीज़ का एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना होता है, इंसानी बॉडी की जो अहमियत होती है और जो उसका उसकी सोल का उसका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की अहमियत होती है, उसने डिफरेंट मेटाफर्स के जरिए हमें समझाई है. द सोल्स आर मूविंग स्पिरिट्स. अब रूह जो होती है ना वो चलती फिरती रूहें होती हैं, स्पिरिट्स की तरह होती है. वाइल द बॉडीज आर द स्फीयर इन विच
इंटेलिजेंस मूव, लेकिन यानी इंसान का जो जिस्म होता है वो स्फेयर होता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस टेक प्लेस करता है, सारा प्रोसेस वाक़ होता है। जस्ट एज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स गिव राइज टू नेचुरल फिनोमिना, जैसा कि स्टार्स और प्लैनेट्स हैं और यानी ये सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमिना को यानी कुदरत को बयान करती हैं, विच इफेक्ट द फॉर्चून ऑफ ह्यूमन बींग। और वो काफ़ी लोगों का ये भी मानना होता है ना कि यानी सितारों से जो है वो किस्मत बनती है, वो सितारों पर यकीन करते हैं। द सेम वे द सोल मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी, इसी तरह से वो कहता है कि यानी जिस्म में रूह का जो वो वाक़ा होना या रूह के साथ जिस्म का होना ये लाजमी जुज़ हैं। जस्ट एज द स्पिरिट्स ऑफ द ब्लड यूनाइट द फिजिकल एंड मेटाफिजिकल इन लव। अब जिस तरह से देखा जाए कि ब्लड जो है वो दो रूहों का जो खून होता है या फिर उनका जो फिजिकल और मेटाफिजिकल रिलेशनशिप होता है मोहब्बत में, सो सोल एक्सप्रेसिज देमसेल्फ थ्रू द फाइव सेंसेज इन बॉडी, कि यानी रूह जो है वो रूहानी मोहब्बत तब भी हो सकती है जब कोई भी मोहब्बत किसी की बॉडी में, किसी की फिजिकल रिलेशनशिप में उसकी फाइव सेंसेज ने फील की हो, मतलब किसी ने अपने महबूब को देखा हो, उसको सुना हो, उसको महसूस किया हो, उसको टच किया हो, उसको किस की हो, तब जाके वो एक मोहब्बत जो है वो कम्प्लीट होती है। द इमेज ऑफ बॉडी एज लवर्स इज़ वेरी विविड एंड कन्विंसिंग। अब जो उसने जिस्म के बारे में मिसालें दी हैं, जिस तरह से जिस्म की अहमियत को बयान किया है, वो बहुत ही क्लियर अल्फाज में किया है और बहुत ही बिलीवेबल है। द पोएट शिफ्ट क्विकली फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल एंड देयर फॉर दिस पोइम हैज़ एन एज ओवर अदर मेटाफिजिकल पोइम। अब क्या है कि पोइट कभी जो है फिजिकल लव की बात करता है, कभी स्पिरिचुअल लव की बात करता है, कभी वो बॉडी को ले आता है, कभी वो रूह को ले आता है, तो इसलिए ये पोइम जो है ना उसकी मेटाफिजिकल पोइम तो उसकी और भी है, लेकिन ये पोइम जो है सबसे टॉप पे रही है। द वेरी फैक्ट दैट क्रिटिक्स डिसएग्री अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोइम, के सबसे बड़ी हकीकत तो यह है कि बहुत से क्रिटिक्स जो थे ना वो इसके मकसद को ही नहीं समझ पा रहे थे, सेडक्शन और स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्ट के, वो यानी कि किस बात को बयान करना चाह रहे हैं, यानी फिजिकल को या फिर रूहानी मोहब्बत को। शोज द कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि पोइम उसने जॉन डन ने कितनी कम्प्लेक्स करके जो है वो लिखी है, उसमें क्या क्या उसने जो है ना वो इमेजेस के जरिए क्या क्या मेटाफर्स यूज करके जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की है। ऑन द होल द क्रिटिक्स प्रेस द पोइट फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो क्रिटिक्स जो है ना वो जॉन डन की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करते हैं। कॉलरिज सेड आई वुड नेवर फाइंड फॉल्ट विद मेटाफिजिकल पोइम वर दे और दे आर लाइक दिस स्टेशी और जस्ट हाव एज एन एक्सीलेंट, के कॉलरिज कहता है कि मैंने मुझे नहीं लगता कि इसकी मेटाफिजिकल पोइम में से इसमें कोई भी गलती है या फिर जो इसकी ये पोइम एक जैसी है ना इसके जैसी एक्सीलेंस या इसकी हाफ भी एक्सीलेंस किसी और पोइम में पाई जाती हो। जेम्स स्मिथ कमेंडेड द पोइम डैट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, फिर जो जेम्स स्मिथ है उनका क्या कहना है इसके बारे में, डन डज नॉट राइट अबाउट मैनी थिंग्स, डस जो है बहुत ही चीज़ों के बारे में नहीं लिखता, ही इज़ कॉन्टेंट विद द आइडेंटिटी ऑफ लवर्स एज लवर, वो जो है जो लवर्स की एज अ लवर पहचान होती है वो करवाना चाहता है, एंड देयर डाइवर्सिटी एज द ह्यूमन बींग्स इन विच लव मैनीफेस्ट इट सेल्फ, और फिर इंसान के वजूद की बात करता है जिसके अंदर लव का सारा प्रोसेस होता है। द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशियंसी ऑफ लव, और फिर मोहब्बत की स्टेबिलिटी को, उसके स्टेबल होने को और उसके जो ज़रूरियात होती हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बयान करते हैं। कॉन्ट्रास्टेड विद द म्यूचुअबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द प्रेजेंस ऑफ लवर्स टू ईच अदर देयर फिजिकल, ये बहुत लंबी कोटेशन है, इसको आप चाहे स्किप कर दें, ये आप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइटल ऑफ स्टेशी मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो ये टाइटल लिया है ना जॉन डन ने इस पोइम का स्टेशी, उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुश होने की कैफियत, स्पेशली व्हेन फीलिंग प्लेयर, जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने आप में नहीं रहता। शी थ्रू हर हेड बैक एज इफ इन स्टेशी, कि वो अपना सर जो है पीछे गिरा लेता है या फिर बिल्कुल स्टैचू की हालत में हो जाता है, क्योंकि उसे यानी हमें जब कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर मिले तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते और बिल्कुल जो है मुंजमद हो जाते हैं। तो कंक्लूजन करते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से डैट जॉन डन इन दिस पोइम स्टेशी हाईलाइट्स द डुअल रूल ऑफ लव, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। तो हमने ये पोइम सारी पढ़ ली है, इसकी टेक्स्ट भी की है, इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लिया, तो हमें ये पता चलता है कि जॉन डन ने इस पोइम में जो मोहब्बत के दो पहलू हैं ना उनका एनालिसिस किया है, मोहब्बत के जो दोनों पहलू होते हैं ना उनको बयान किया है, फिजिकल को भी और स्पिरिचुअल को भी। बेसिकली द पोइम डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी विद दैट सोल, विद दैट ऑफ सोल इन द लव, कि पोइम जो है किसी बॉडी का जो रिलेशन होता है और उसकी रूह का जो रिलेशन होता है दो मोहब्बत करने वालों की, उनको जो है इस पोइम में इसने बयान किया है, और अपनी और अपने बिलव्ड के रिलेशन के जरिए जो है दरिया के किनारे बैठ के उसने ये सारी जो है पोइम को जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत आर्टिस्टिकली जो है लिखा है। आई होप सो के समझ आ गया, कोई भी कन्फ्यूजन होता मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।